जय करुणा ममता कृपा सिंधु राधे कृष्ण जय करुणा ममता कृपा सिंधु जय करुणा ममता कृपा सिंधु राधे कृष्णा जय करुणा ममता कृपा सिंधु राधे कृष्णा जय करुणा राधे कृष्णा जय करुणा ममता कृपा सिंधु राधे कृष्णा जय करुणा ममता कृपा सिंधु जय श्री राधा कृष्ण वल्लभा जय श्री राधा कृष्ण वल्लभा जय श्री कृष्णा राधा वल्लभ जय श्री कृष्णा राधा वल्लभ राधे कृष्णा जय करुणा ममता कृपा सिंधु राधे कृष्णा जय करुणा ममता कृपा सिंधु राधे कृष्णा जय करुणा ममता कृपा सिंधु जय श्री राधा कृष्ण वल्लभा जय श्री कृष्णा राधा वल्लभ राधे कृष्णा जय करुणा ममता कृपा सिंधु राधे कृष्णा जय करुणा ममता कृपा सिंधु राधे कृष्णा जय करुणा ममता कृपा सिंधु जय करुणा ममता कृपा सिंधु राधे कृष्णा जय करुणा ममता कृपा सिंधु श्री रामानंद स्वामी का चरित्र चल रहा है। कल इनको शंख की सिद्धि थी। और पिता जिस लड़की से विवाह करना चाहते थे
उसको भगवान ने स्वप्न दिया कि तुम पति ना मान करके इनको गुरु मानो। वो अपने परिवार और बालों को लेके आई और मंत्र दीक्षा का उसने याचना किया। और इन्होंने शंख बजाया, वो शंख वही है जो वेणु माधव जी ने दिया था। शंख सुन करके उसकी समाधि लग गई। शंख की ध्वनि से वैज्ञानिकों ने कहा है कि अशुभ वातावरण नष्ट हो जाता है, बहुत से बीमारियों के जीवाणु खत्म हो जाते हैं। शंख में इसलिए शंखनाद किया जाता है, उससे मंगल होता है। शंख की आवाज सुनकर के वो माधवी लड़की मूर्छित हो गई। और मूर्छा में उसकी समाधि लग गई। कुछ देर बाद समाधि छूटी, तब वो बोली कि मुझे दीक्षा मिल गई, अब मैं अब भगवत धाम जा रही हूं। इसके बाद ब्रह्मरंध्र से उसके प्राण चले गए। और इनका विवाह नहीं हुआ। काशी में ये समाचार फैल गया। ऐसे ऐसे स्वामी जी का विवाह होने वाला था, इनके शंखनाद से उसकी परागति प्राप्त हो गई। प्रहलाद जी ने के प्रसंग में श्लोक आता है, कई जगह आया है, कि ये जो मैथुन कुसुक है स्त्री पुरुषों का, ये प्रहलाद जी ने कहा है, यन मैथुनादि गृह मेधि सुखम हि तुच्छम कंडूयनेन कार्योरिव दुख दुखम। सातवें स्कंद में नौवें अध्याय में उन्होंने नृसिंह जी की स्तुति किया है। तृप्यन्ति नेह कृपणा दुख बहु दुख भाजः
कंडूतिवन मनसिजम विषहेत धीरः। ये जो गृहस्थ में मैथुन आदि का सुख है, इसी के लिए लोग विवाह करते हैं, गृहस्थ भोगते हैं। ये बड़ा तुच्छ है, निकृष्ट है, नीच है। कंडुयेन न करियो रिव दुख दुखम। जैसे कंडुयेन कहते हैं खुजली, खाज। खाज जब हो जाती है तो उसको जितना खुजाओ उतना दुख बढ़ता है। और उसको खुजाया न जाए तो अपने आप चला जाता है रोग। लेकिन जितना मनुष्य खुजाता है उतना बढ़ता है और दुख देता है। इसलिए उन्होंने कहा, यन मैथुनादि, श्लोक संख्या 45, 7, 9, 45, ये केवल एक खाज का जैसे रोग होता है, खुजली, बिल्कुल वही रोग है। खुजाते जाओ और रोग बढ़ता जाता है। तृप्यंति ने ही कृपणा दुख बहु दुख भाजह। और इसको भोगने वाले कृपण हैं। कृपण मनुष्य बहुत निम्न कोटि के होते हैं। इसमें कभी तृप्ति नहीं है। तृप्यंति ने है कृपणा बहु दुख भाजा। और एक ही दुख नहीं है, जाने कितने दुख हैं इसमें भोगने पड़ते हैं। तृप्यंति ने कृपणा बहु दुख भाजा। इसलिए कंडूतिवन मनसिजम विषहेत धीरः। धीर पुरुष इसकी तृप्ति का उपाय नहीं करते हैं। जैसे खुजली को खुजाओ मत, जितना खुजाओगे बढ़ेगी, वैसे धीर पुरुष वही है जो मैथुन की चेष्टा नहीं करता है और उसको सह लेता है, उस वेग को। यन मैथुनादि गृह मेधि सुखम हि तुच्छम। कंडूयनेन करियो रिव दुख दुखम। ये केवल एक शरीर में जैसे खुजली होती है, एक बीमारी है और कुछ नहीं है। इस बीमारी को जैसे खुजाने से खुजली बढ़ती है, वैसे ही भोग
भोग के जीवाणु हैं, जैसे रोग के की जीवाणु होते हैं वैसे भोग के भी जीवाणु हैं। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं, विषय भोग बहु घीते। तुलसीदास जी ने भी लिखा है जैसे घी में आग डालो तो घी बुझती नहीं है, आग बढ़ती जाती है। जितना घी डालोगे उतनी आग बढ़ती है। वैसे ही कामाग्नि भोग से, भोग की सामग्रियों से बुझती नहीं है, बढ़ती है। ये बात गोस्वामी जी ही नहीं बल्कि भागवत जी में भी कहा गया है। नवें स्कंद में 19वें अध्याय में ये बात कही गई है। राजा ययाति के प्रसंग में चौदहवें श्लोक में 9, 19, 14 न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेन भूय एवाभिवर्तते। ये काम कामनाओं के भोग से शांत नहीं होता है। जैसे हविषा माने घी से, कृष्ण वर्तमा माने आग बढ़ता है, वैसे ये बढ़ता जाता है। और इसकी तृष्णा बढ़ती है, प्यास बढ़ती जाती है। या दुस्तजा दुर्मतिभिर जीरितो या न जीरिते। मनुष्य बुढ़ा होता है, तृष्णा बुद्धि नहीं होती है। शरीराणि तु जीर्यन्ते तृष्णैका तरुणायते। तृष्णा जवान होती है और शरीर बुढ़ा होता है। इस तरह से तृष्णा मनुष्य को खा जाती है। त्रिट धातु से तृष्णा शब्द बनता है। और नंग प्रत्यय करके, नंग प्रत्यय के माने कि ना, ऐसी प्यास है जो कभी बुझेगी नहीं। ताम तृष्णाम दुख निबहाम या द्युस्तजा दुर्मतिभिर जीरितो या न जीरिते। ताम तृष्णाम दुख निवहाम शर्व कामो द्रुतम त्यजेत। दुर्मति जिनकी बुद्धि दुर्बल है या दुष्ट है, वो तृष्णा को छोड़ नहीं सकते। क्योंकि संसार सभी भोगियों का संसार है और
और इन्हीं का संग मनुष्य को मिलता है। घर में भी परिवार में माता पिता सभी भोगी हैं। या दुस्तजा दुर्मते भी जीरितो या न जीरिते ताम तृष्णाम दुख निबहाम। तृष्णा दुख का निवह समूह है। जिसको सर्व मन शांति चाहिए वो बहुत जल्दी छोड़ दे। सर्व कामो द्रुतम त्यजेत, द्रुतम मने बहुत जल्दी। कल छोड़ने वाले हो तो अभी छोड़ दो। द्रुतम मने इसमें देर मत करो कि चलो किसी से कहा बीड़ी सिगरेट पीते हो छोड़ दो तो बोला अच्छा दो चार दिन बाद छोड़ेंगे। तो कोई छोड़ना छोड़ना नहीं है, छोड़ने वाला तो उसी समय छोड़ देता है। कल छोड़ेंगे इसके माने कभी नहीं छोड़ पाओगे। सर्व काम माने जिसको शांति की इच्छा है, कल छोड़ेंगे वो कभी नहीं छूटेगा। शांति की इच्छा है तो द्रुतम अभी ही छोड़ दो। इस तरह से शांति की वस्तुतः लोगों की इच्छा है ही नहीं। हम जैसे लोग शांति की बात बनाते हैं लेकिन शांति की इच्छा वाला तो तुरंत छोड़ देता है, द्रुतम। इसलिए रामानंद स्वामी ने और उसकी मूर्छा में प्राण उसके भगवान में लीन हो गए। ये उन्होंने आदर्श दिखाया। कि मनुष्य को काम को छोड़ देना चाहिए। ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प गंदर्प दर्पहा जयत श्री पतिर गोपी रास मंडल मंडना। ब्रह्मा आदि शंकर इंद्र अग्नि सभी देवताओं को काम ने जीत लिया। आदि माने बहुत से देवता। और उसको जीतने के बाद कामदेव के मन में दर्प अहंकार आ गया। ब्रह्मा जय संरूढ़ दर्प गंदर्प दर्पहा। अरे हमने तो ब्रह्मा को जीत लिया। शंकर को जीत लिया। शंकर ने जला दिया था काम को, किंतु भगवान ने जब मोहिनी रूप उनके कहने पर दिखाना चाहा, मना किया। भगवान ने उसको आप मत देखो, लेकिन शंकर जी नहीं माने। उन्होंने कहा हम तो जरूर देखेंगे।
जब मोहिनी रूप प्रकट हुआ तो उनको ऐसा वेग आया कामदेव का, काम ने ऐसा वेग प्रकट किया कि पार्वती जी पास में थी, लज्जा छोड़ करके और नंगे दौड़ पड़े और मोहिनी को हठात जाकर पकड़। यद्यपि मोहिनी आपको अपने मन पर कभी विश्वास नहीं करना। हर जीव अपने मन पर विश्वास करता है इसलिए वो मर्यादा तोड़ देता है। न कुर्यात करहिचि सौख्यम मनस यनवस्थिते यद विश्रम्भात् चिरात् चीर्णम च स्कंद तपैश्वरम। जिस पर विश्वास करने से, भगवान ने मना किया था कि तुम मेरा वो रूप मत देखो, नहीं माने और उनका तेज चस्कंद स्खलित हो गया। ईश्वर तप, ईश्वर का तप, इसलिए मन पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। नित्यम ददाति कामस्य छिद्रम तमन्वीरय योगिना कृत मैत्रस्य पत्युर्जायैव पुंश्चली। ये मन पुंश्चली स्त्री जो बहुत ज्यादा कामनी होती है उसकी तरह से ये औरों को अवसर देती है। छिद्र अवसर देना, नित्यम ददाति कामस्य छिद्रम तमन्वीरयः। में आता है रास्ते में एक युवती ने देखा उनको, मोहित हो गई। भक्ति का तेज था, सुंदर थे और उसने प्रार्थना किया कि यहीं भोजन करो आप। साधु थे, साधु जैसे ही थे, दर्शन करने जा रहे थे। इन्होंने भगवान की इच्छा समझ करके वहां भोजन किया। भोजन करने के बाद उसने इनसे कहा कि ये हमारे ही यहाँ खेत में विश्राम करो आप। ये बोले ठीक है देवी, वहीं पर इन्होंने आसन लगा लिया।
रात्रि के इनके पास पहुंच गई और अपना अभिप्राय उनको प्रकट किया। इन्होंने उसको माता कहकर के सम्मान किया कि तू तो मेरी माँ है, तूने भोजन कराया है, मैं स्त्री संबंधी व्यवहार नहीं कर सकता हूं। और उन्होंने कहा कि तेरा तो पति है, वो सो रहा था वहीं पास में कहीं झोपड़ी में, तू समझ गई कि ये कह रहे हैं तेरा तो पति है, यानी पति रुकावट है, कामांधता में उसने जाकर के पति का सिर काट दिया। और सिर काट करके आई, बोले अब तो देखो रास्ता साफ हो गया। बोले देवी हमने मारने को तो नहीं कहा था, हमने इस दृष्टि से नहीं कहा था कि रुकावट है, हमने तो इस दृष्टि से कहा था तुम्हारी तृष्णा शांत करने के लिए, तुम्हारा पति है, मैं तो तुमसे नहीं मिलूंगा। उसने देखा कि इसकी प्राप्ति की इच्छा से हमने अपने पति को मारा, अब क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। अपनी बचत के लिए उसने चिल्लाने लग गई, दौड़ो दौड़ो गांव वालों, इस साधु ने हमारे पति का वध किया है, ये दुष्ट साधु है, इसकी दृष्टि खराब है। लोगों ने विश्वास कर लिया क्योंकि स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवम न जानाति कुतो मनुष्यः। पुरुष के भाग्य को और स्त्री के चरित्र को दैव भी नहीं जानता है। स्त्रियो है हर यकरुणा क्रूरा दुर्मर्षा प्रिय साहसा। नवम स्कंद में कहा गया है जो कामनीय स्त्रियां होती हैं, अकरुण होती हैं, उनमें करुणा नहीं होती है। दुर्मर्षा प्रिय साहसा, उर्वशी के प्रसंग में कहा गया है नवम स्कंद में, स्त्रियो या करुणा क्रूरा, ये बड़ी क्रूर होती हैं, मारा खुद अपने दोष को कोई नहीं कहता है, सदा दोष वो दूसरे के ही देगी। दुर्मर्षा प्रिय साहसा, और साहस इनको, राजा भोज की स्त्री थी, राजा भोज ने देवताओं की तरह उनमें गुण थे, वो एक निकृष्ट पुरुष से उसका संबंध था, जबकि भोज को देवताओं के समान कहा गया है। ऐसे पुरुष को प्राप्त करके भी वो नदी पार करके जाती थी,
और विद्वान लोग जानते हैं, प्रसिद्ध कथा है, दुर्वर्षा प्रिय साहसा स्त्रियो हर है करुणा क्रूरा दुर्मर्षा प्रिय साहसा पतिम भ्रातरम अपने पति और भाई को भी मार डालती हैं थोड़े से लोभ के लिए। इसलिए मनुष्य को ये बड़ा तुच्छ है। प्रहलाद जी ने कहा है, यन में मैथुनादि गृह में धि सुखम ही तुच्छम। इसको कंडुये ने करियो रिव दुख दुखम, अनंत काल तक दुख देता है। इसको खुजली के रोग जैसे उस खुजाओ मत छोड़ दो। तृप्यंत ने कृपणा बहु दुख भाजा, कभी भी तृप्ति नहीं होगी तुम्हारी, इसलिए उसके सह लो और इसके चेष्टा नहीं करो इसको शांत करने के लिए भोग के द्वारा। न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेन भूये एवाभिवर्धते। जितने शास्त्र हैं वो सब यही सिखाते हैं। भगवान ने भी कहा है, यही संस्पर्शजा भोगा। अर्जुन, जितने संस्पर्शज भोग हैं 5/22 वो दुख की योनि है। जैसे जीवों की उत्पत्ति योनि से होती है, वैसे दुख की उत्पत्ति योनि से होती है। यही संस्पर्शा भोगा दुख योन ये वही आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधः। आद्यंत माने क्षणिक है। कोई भी बुद्धिमान इन सुखों में, वैषयिक सुखों में, इंद्रियादों इंद्रियों के सुख में रमण नहीं करेगा। इसलिए रामानंद जी ने ब्याह नहीं किया और ब्याह के पहले शंख बजा करके उसको परम धाम भेज दिया। माधवी उसका नाम था। जब विवाह नहीं किया तो संपर्क का तो कोई प्रश्न ही नहीं। काशी में बात फैल गई, हजारों लोग आए इनका दर्शन करने। इनके माता पिता भी आश्चर्य में हो गए कि यह अवश्य अवतारी लड़का है, हम इसका ब्याह करना चाहते थे, इसके शंख में ही जाने क्या है, माधवी को परम धाम भेज दिया। तो माता पिता भी इनके पास आए, बोले पुत्र यद्यपि तुम हमारे पुत्र हो लेकिन हमको भी दीक्षा दो। तब रामानंद जी को बड़ा संकोच हुआ कि माता पिता को कैसे दीक्षा दें।
और वहीं अंतर्धान हो गए, क्योंकि सभी आचार्य भगवान के अवतार होते हैं। और नाभाजी ने लिखा राम की तरह थे, यानी राम के अवतार थे, जैसे महाप्रभु चैतन्य कृष्ण का अवतार थे, नित्यानंद जी दाऊ जी के अवतार थे। ये बड़े बड़े आचार्य सब अवतार लेके आते हैं, तभी जा करके हम जैसे जीवों का कल्याण होता है, नहीं तो असंभव है। मीरा भी किसी गोपी का अवतार थी, प्रहलाद ने फिर से अवतार लिया कबीर के रूप में। भगवान और भगवान के भक्त लोग अवतार ले लेके आते हैं करुणा के कारण, नहीं तो हम जैसे जीवों को उद्धार कैसे होगा। अवतरित महापुरुष ही कल्याण करते हैं, उनमें त्याग की क्षमता होती, शक्ति होती है। जिनमें त्याग नहीं है, हम लोग तो 10 रुपए के नोट पर ही बिक जाते हैं। तो अंतर्धान हो गए रामानंद जी, और माता पिता शोक में मूर्छित हो गए। मूर्छावस्था में उन्होंने रामानंद स्वामी को दिव्य सिंहासन पर बैठे देखा। और जब मूर्छा दूर भई तो माता ने शरीर त्याग कर दिया, यानी कल्याण हो गया। उसी समय इनके गुरु राघवानंद जी प्रकट भए, और 6 करोड़ राम मंत्री की आहुतियां दिलाई। उस आहुति से फिर से रामानंद जी प्रकट भए। नाभाजी लिखते हैं तिनके रामानंद प्रकट, उसके बाद राघवानंद जी जो इनके गुरु थे, उन्होंने इनको मंत्र दे करके ये कहा कि जाओ शिष्य, संसार का कल्याण करो, बिना महापुरुषों के पास गए भक्ति नहीं आती है। श्रीमद् भागवत में सबसे पहले ये बात कही गई है, पहले स्कंद में ही, दूसरे अध्याय में, शुश्रूषो हो श्रद्धानस्य, जो सेवा करता है। ये बात पहले स्कंद में, दूसरे अध्याय में 16वें श्लोक में कही गई है। हे जीवो, तुम अपना कल्याण चाहते हो तो श्रद्धा पहले करो। जिसको श्रद्धा नहीं है वो नष्ट हो गया।
वो मर गया, क्योंकि श्रद्धा ही जीवन है। लिखा है सुरदास जी ने, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुबुध उपजत है परत भजन में भंग। सबसे पहले जिसके पास जाने से दुर्बुद्धि कुबुद्धि या श्रद्धा का नाश, उसको छोड़ो। स्वानई कागई कहा कपूर चुगाए, स्वान नहाए गंग। तुम जितना सत्संग करोगे सब मिट्टी मिल जाएगा। कौवा को कपूर चुकाओ वो मांसे ही मछली खाएगा। घर को कहा अर्गजा लेपन, गधे को सुगंधित द्रव्य लेप कर दो वो तो मिट्टी में ही लुटेगा। इसी तरह से पाहन पतित बान नहीं भेद है, रीतो करत निशंग। पत्थर पे हजारों बाण मारो खाली हो जाएगा, तर्कस तुम्हारा खाली हो जाएगा। सारा सत्संग भी मिट्टी में मिल जाएगा एक क्षण के कुसंग से। ऐसा कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य महाप्रभु मिले थे एक बार प्रयाग में। वहां दोनों की वार्तालाप बातें भई। महाप्रभु ने कहा कि हमने सुना है गाय की सींग पे जितनी देर सरसों रुकती है, रुकती नहीं है, लेकिन अगर एक क्षण का दसवां हिस्सा रुक भी गया सरसों, उतनी देर का सत्संग ही जीव को परम पद दे देता है। सत्संग ऐसी चीज है, इसकी तुलना न इंद्र पद से हो सकती है, संसार की समृद्धियों से नहीं हो सकती है। तुल्याम लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम, मोक्ष से भी नहीं हो सकती है। तो दूसरे महाप्रभु बोले गाय के सींग पर जितनी देर सरसों रुकती है उतनी देर का ही कुसंग जीव को परम पद से नीचे गिरा देता है। यानी सत्संग जितना शक्तिशाली है कुसंग उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। गोसाई जी ने लिखा है को न कुसंगत पाए न साही। ऐसा कोई सृष्टि में पैदा ही नहीं हुआ जो कुसंग से जिसका नाश न हो। संसार में तुम स्वयं देख लो जितने अवगुण हैं कुसंग से ही आते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ नहीं जानता, भोग क्या है, लोभ क्या है, काम क्या है, क्रोध क्या है,
वो यहां आकर के सीखता है, कुसंग से ही भोग सीखता है, कुसंग से ही लोभ, कुसंग से ही सारी बातें। जीव का नाश ही कुसंग से होता है, नहीं तो कभी नाश नहीं हो सकता। तो इसलिए रीतो पाहन पतित बान नहीं भेदत रीतो करत निशंग। सारा तर्कस खाली चला गया, पत्थर नहीं टूटेगा, बाण टूट जाएगा। वैसे मनुष्य को तजोरे माने हरि विमुन विमुखन को संग, तिनके जिनके संग कुबुध उपचत है परत भजन में भंग। राम की मां कैकेयी राम से जितना प्यार करती थी अपने बेटे भरत से नहीं करती थी। लेकिन मंथरा के कुसंग से उनका ऐसा कलंक लगा, विधवा भई, दशरथ जी मरे, राम बन गए, सीता बन गई, लक्ष्मण बन गए, अयोध्या का नाश हो गया था। फिर से अवध बसा, लेकिन बसा बसा क्या, तिलक के बाद फिर से सीता जी को वन में जाना पड़ा। ये सब कुसंग की महिमा है। इसीलिए मनुष्य को बरुभल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। भगवान राम ने कहा है नरक में जा करके यातना कष्ट भोगना अच्छा है, दुष्ट संग अच्छा नहीं है। नरक में कष्ट भोगोगे उससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और दुष्ट संग से श्रद्धा नष्ट हो जाएगी, दुर्बुद्धि आ जाएगी। नरक में तो पाप नाश होता है और दुष्ट संग से नरक से अच्छा है, नरक जाने की तैयारी है। इसलिए रामानंद जी का प्रभाव, रामानंद जी ने विवाह नहीं किया, बिना विवाह के ही अपनी स्त्री को भगवत धाम भेज दिया। फिर माता पिता आए, हमको दीक्षा दो, मां को भी शंख बजा करके परम धाम भेज दिया। इसके अलावा इनमें बहुत से चमत्कार दिखाए। कहते हैं सुधोली का राजा कोई था, उसके लड़के को टीबी थी, क्षय रोग। राजकुमार मरने वाला था, वो आया कि रामानंद स्वामी शंख से ही कल्याण कर देते हैं। स्वामी जी की शरण में आया और बोला हमारा एक ही राजकुमार है, बेटा है, वो मरने वाला है, आप कृपा करो। स्वामी जी बोले
कि भाई हर जीव जन्म मरण सब भगवान देते हैं, हम तो कुछ करने वाले नहीं हैं। लेकिन वो राजा राजहट बैठ गया कि मैं आपकी शरण में आया हूं, आपको करना पड़ेगा। स्वामी जी बोले, तुम सच में इसका जीवन चाहते हो, इस लड़के का? बोले हां महाराज, मैं सच में जीवन चाहता हूं, ये बचने वाला नहीं, मरणासन्न था। तो स्वामी जी ने कहा कि तुम अपने लड़के को ले जाकर के गंगा की गोद में डाल दो, यानी पानी में बहा दो, गंगा जगन माता है, जगत जननी है, विष्णुपदी है, आजकल कलयुग में इन सब का प्रभाव छिप गया है युग के प्रभाव से। क्योंकि इनका स्वरूप बदल गया युग के प्रभाव से। जब सीता जी जा रही थी वन में राम के साथ अयोध्या कांड में आता है प्रसंग, तो वो माता कौशल्या के पास गई, आशीर्वाद लेने के लिए। और माता से बोली, माता मुझे क्षमा करो, क्योंकि ये समय था सेवा करने का और मैं जा रही हूं वन में, आशीर्वाद दो। हैं? क्या? हाँ, 69 दोहा। तो माता बोली, अचल होई अहवात तुम्हारा, जब लग गंग जमुन जलधारा। सीता, जब तक जमुना और गंगा में अचल धारा है, तब तक तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा। यह इन धाराओं का बदलना ही संसार की क्षति है। ये सब सरकार आस्तिक नहीं है, नास्तिक है, असुरों का राज्य है। ये उन्होंने आशीर्वाद दिया था, इसलिए संसार में कष्ट बढ़ रहा है, अन्याय बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी ने, तुम इसको गंगे में डाल दो, गंगा जी के प्रवाह में, अपने लड़के को, और सातवें दिन तुम्हारा लड़का गंगा मैया ठीक करके दे देगी। सुधोली के राजा साहब
कि हिम्मत नहीं पड़ी कि लड़के को ले जा करके गंगा जी में प्रवाहित कर दें, क्योंकि मरने वाला है लेकिन अपने हाथ से कैसे मारेंगे, क्या पता जी जाए। तो वो राजा साहब स्वामी जी की बात मान नहीं सके और बोले, स्वामी जी बिना प्रवाह किए ही कुछ चमत्कार दिखाइए, संसार में ये तो बड़ा कठिन है, कोई माँ बाप अपने बच्चे को कैसे प्रवाहित कर देगा। लड़का सुन रहा था पिता की बातें और स्वामी जी की बातें, उसने तुरंत जाकर के पिता से कहा कि स्वामी जी की बात आप मान लीजिए, पिता ने मना कर दिया कि नहीं हम तुझे पानी में नहीं डालेंगे। बहुत से डॉक्टर हैं वैद्य हैं, अभी हम अनेक उपाय करेंगे, राजकुमार बड़ा श्रद्धालु था, किसी किसी की श्रद्धा सात्विकी होती है। भगवान ने कहा त्रिविधा भवति श्रद्धा दैनाम सा स्वभावजा। अर्जुन तीन प्रकार की श्रद्धा होती है, सत्रहवें अध्याय में भगवान ने कहा है। इसके अलावा और दो भेद बताए हैं, एक पराश्रद्धा एक अपराश्रद्धा। ये 17/17 में बताया है, श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरैः, पराश्रद्धा सिद्ध लोगों की होती है जो कभी नष्ट नहीं होती है। जैसे जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकय कुसंग, चंदन विष व्यापय नहीं लपटे रहत भुजंग। उत्तम प्रकृति के लोगों की श्रद्धा नष्ट नहीं होती है। चंदन के पेड़ में लाखों सर्प लपटे रहते हैं लेकिन चंदन में जहर का असर नहीं होता है। वैसे उत्तम प्रकृति के लोग जिसकी पराश्रद्धा है उसकी श्रद्धा कभी नष्ट नहीं होती है। 17/17 में भगवान ने कहा श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरैः। अर्जुन पराश्रद्धा में फल की इच्छा नहीं रहती है, अहितुकी होती है। ऐसे लोग संसार में बहुत कम होते हैं, सिद्ध पुरुष लोग होते हैं, हम जैसे तुच्छ लोग नहीं होते हैं।
जिनकी श्रद्धा 5 रुपए में नष्ट हो जाए, 10 रुपए में झूठ बोल देंगे, पराश्रद्धा की पहचान है अफलाकांक्षिभिर्युक्त ही सात्विकम परिचक्षते। और जहां फल की इच्छा आई अपराश्रद्धा हो जाती है, सत्कार मान पूजार्थम तपो दंभेन चैवियत कृतिय तदिह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। फल की इच्छा लेकर के सत्कार, हमारा सम्मान बढ़े, मान बढ़े, ये सब जब आती हैं और तब जो तप किया जाता है, भजन किया जाता है, उसका फल अध्रुव अविनाशी नहीं होता, विनाशी होता है। इसी तरह से हिंसा आदि की भावना, पर पीड़ा की भावना ज्यादातर संसार में लोग 19वें श्लोक में जो तामसी श्रद्धा वाले हैं चुपचाप नुकसान करेंगे, ऐसी बात कहेंगे जिसकी उसकी श्रद्धा नष्ट हो जाए। आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं, वे मूढ़ ग्राहण आत्मनो यद पीडिया क्रियते तप परस्योसराधनाथ संवा तत्ताम समुदारतम। दूसरे का नुकसान होवे, किसी की कहीं श्रद्धा है तो उसको नष्ट कर देंगे। अध्यात्म मार्ग से नष्ट कर देंगे उसको, वे असुर होते हैं। ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा होती है। आसुरी प्रकृति के लोग, तामसी प्रकृति के लोग जहां बैठेंगे वहां दूसरे की श्रद्धा का नाश कर देंगे, इन्हें उसकी स्पिरिचुअल डेथ कर देंगे, आध्यात्मिक मृत्यु कर देंगे। भगवान कहते हैं अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तत्तम कृतम चेत असद इत्युचेते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो इह। 17वें अध्याय में आखिरी श्लोक है। एक महात्मा कहते थे कि सारी गीता का सार भगवान ने कहा है, ये तो कहिए सर्वधान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, लेकिन उससे भी बड़ा 17:28 में कहा है, तुम कितना भी दान करो, तप करो, शुभ कर्म करो, सब मिट्टी मिल जाएगा, न जीवित रहने पर मिलेगा न मरने के बाद कुछ मिलेगा तुमको। करोड़ों रुपए के यज्ञ किया, हुतम हवन किया, दान किया, सब मिट्टी मिल गया, क्योंकि अश्रद्धा हो गई तुम्हारी। और यही दुष्ट संघ के पास बैठने से मनुष्य की श्रद्धा नष्ट हो जाती है। पर निंदा सम दुख न गिरीसा, पर निंदा के समान पाप कुछ नहीं है, उससे मनुष्य की श्रद्धा नष्ट हो जाती है। यानी आप जीवन में जो कुछ करेगा वो कुछ फल नहीं मिलेगा, न मरने बाद मिलेगा न जीते जी मिलेगा। उसको मार डाला, उसकी हत्या कर दिया दुष्ट संघ से। तो इसलिए राजकुमार श्रद्धालु था, वो अपनी मां बाप की नजर बचा करके गंगा जी में जाकर कूद पड़ा, और गंगा जी में कूदने के बाद 7वें दिन अपने आप उसका शरीर गंगा जी में ऊपर दिखाई पड़ा। और स्वस्थ हो गया, कंचन सी काया हो गई,
श्रद्धा में बड़ा चमत्कार है। प्रहलाद ने कहा था, देखो असुरो, तुम हर लड़का हर स्त्री मेरी तरह बन सकते हो श्रद्धा से। भवताम अपि भूयान में यदि श्रद्धते वचः वैशारधि धी श्रद्धातः स्त्री बालाम च मे यथा। कितनी भी पतित स्त्री है, कितना भी मूर्ख बालक है, ये प्रहलाद जी ने कहा है, श्रद्धा में तुम ये मत सोचो कि हम असुर हैं। तुम ऐसा सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। श्रद्धा में अनंत शक्ति है। उठो और श्रद्धा प्राप्त करो। ये उन्होंने सातवें स्कंद में और छठवें अध्याय में शायद कहा है। हैं? जोर से बोलो। अच्छा, सात सात सत्रह। श्रद्धा में अनंत शक्ति है। भले मैं आग में जला नहीं, समुद्र में डूबा नहीं, तोप के गोलों से मरा नहीं, हर आदमी में अचमत्कार आ सकता है। भवताम अपि भूयान में यदि श्रद्धा से बचा वैशारदी धी श्रद्धात स्त्री बालाम च मे यथा। दुष्ट संग से श्रद्धा का नाश हो जाता है, वो सबसे बड़ा असुर है। भगवान ने कहा है कि न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम। अर्जुन, किसी की बुद्धि भेद श्रद्धा को नष्ट नहीं करना चाहिए। जय श्री राधे। देर हो गई है।